एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सरदार सुरजन सिंह पिछले दिन अपने श्वासा की पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा के चरणा विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों जिन्हां विच सरदारनी सुखपाल कौर, सरदार जसविंदर सिंह सरपंच, सरपंच सरदार जसविंदर सिंह, सरबजीत कौर, सुखविंदर सिंह, कमलदीप कौर, अरमानप्रीत सिंह, गुरसांझ कौर, दर्शन सिंह, जरनैल सिंह, पाला सिंह, अमरजीत कौर, हरबंस कौर अते उन्हां दे समूह परिवार वालों गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब लहल कला संगरूर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघा वालों कीर्तन की हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार सुरजन सिंह जी का जन्म पिता सरदार कपूर सिंह जी दे घर, माता सरदारनी गुरदेव कौर होणा दी कुखों लहल कला विखे 5 सितंबर 1968 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। सरदार सुरजन सिंह जी बचपन तो ही पढ़ाई विच बहुत होशियार सन अते आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कीती उपरंत आप जी पंजाब पुलिस विच भर्ती हो गए। पंजाब पुलिस दी नौकरी नूं सरदार सुरजन सिंह जी हुणा ने बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल कीता अते इस विच खूब उन्नति हासिल कीती अते आप जी उन्नति करदे करदे इंस्पैक्टर बन गए। सरदार सुरजन सिंह जी कबड्डी दे चंगे खिडारी सन। आप जी दा व्याह सरदारनी सुखपाल कौर होना नाल सन 1985 विच होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां बखूबी निभाईयां। आप जी दे घर बेटियां जसविंदर सिंह अते सुखविंदर सिंह ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे वड्डे बेटे सरदार जसविंदर सिंह जी लहल कलां दे सरपंच वजों सेवावां निभा रहे हन अते जसविंदर सिंह जी मार्केट कमेटी लहरा गागा दे एक्स चेयरमैन भी हन अते आप जी दे छोटे बेटे सुखविंदर सिंह जीनियस आयल्स सेंटर चला रहे हन। सरदार सुरजन सिंह जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। सरदार सुरजन सिंह जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। सरदार सुरजन सिंह जी हुणा ने अपने बेटियां नूं भी सच्चाई अते ईमानदारी दी राह ते चलन दी गुरती दित्ती। आप जी दी फुलवाड़ी इस समय अरमानप्रीत सिंह अते गुरसांझ कौर नाल महक रही है। ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੌੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਗਿਰਹੀ ਯੋਗੀ ਤਜ ਗਏ ਭਾਵ ਛੱਡ ਗਏ ਘਰ ਵਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁੱਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ
इस जगत दे विच आ के समाज दे विच दुनिया दे विच असी केड़ा चंगा काम कीता। अपने बच्चे तो पशु भी पाल लेंदे ने, अपने बच्चे तो पंछी भी चोग चुगा के पाल लेंदे ने अपने बच्चों नूं। पर जे असी भी सिर्फ अपने बच्चे पालन तक ही सीमित रहे, जो कुछ ना किया, होर कुछ चंगा ना किया, कोई समाज की सेवा, किसी लोड़वंदा की जरूरतमंदा की सेवा ना की, जे असी अपने अंदर इमानदारी ना बनाई, जे असी अपना दिल साबत ना रखिया, तो फिर इंसान बन के असी कुछ बहुता ना खट सके। इस करके महाराज सानू समझाउंदे ने, भाई सदा तो रहना नहीं है। जिन्हां घरां नूं अज असी अपने समझदे हाँ, जिहड़ी भोए नूं जिहड़ी जमीन ते अज साडा कब्जा है, साडे तों पहलां साडे प्यो दा कब्जा सी, उदों पहलां दादे दा, उदों पहलां पड़दादे दा, सारे छड छड के तुर गए ने। ये सब कुछ छड जाना है, ऊंचे मंदिर साल सरोई एक घड़ी पुन रहण ना होई। कहते बड़िया बड़िया कोठियां हवेलियां जो असी कच्चे पक्के मकान बनाने, कहते समा जिंदगी जिंदगी चेदा का होना एक दिन, कहते तेन घड़ी भी नहीं रख होना, रखी नहीं होंगे। हूँ तो चलो फ्रिज आ गए ने, डेड बॉडी को रखा जा सकता है दो चार पाँच चार दिन हफ्ता। जो इदा के साधन नहीं सन, घड़ी नहीं सी रख होंगी बॉडी, वाणी वो गल याद कराती है सानू। भगत रविदास जी महाराज चेता कराते हैं, कहते भाई इस गल न भुल ना जाई, जेड़े महला च गुजारी उमरा Thank you.
साल सरोई एक घड़ी फुन रहन ना होई, एक घड़ी जिन्ना समा भी रखना मुश्किल हो जाने भाई। इस गल नू चेते रख के ते याद रख, जेड़े याद रखते ने वो इस संसार तो लाहा खट लेंदे ने। मरना याद है जिन्ना दे साई लोकां लाहा इस जहान तो खट जाते, वो लाहा खट के जाते हैं। अपने नेड़े पिंड गंडूआ ते गंडूआ पिंड का एक गुरसिख सी जिहदा नाम सी भाई मुगलू। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करन गया सी अमृतसर, ते उहने जदों विहार वेख्या सिखां दा प्यार वेख्या मन ते बड़ा असर पया, ते महाराज नूं बेनती कीती किरपा करो मैनू भी अपना सिख बनाओ। ते महाराज ने किरपा कीती, सिक्खी दी दात बख्शी, भाई मुगलू मनो तनो जुड़ गया गुरबाणी दे नाल। ते जिहड़ा बंदा नाम बाणी दा आसरा लैंदे जिंदगी दे विच, कुदरती है वह नशियां तों विशियां तों बकारां तों बुराइयां तों बच जांदा है। ये संसार की वकारा की कालस तो बचण का राह दूजा होर कोई नहीं, इको ही रस्ता है। आही एक रस्ता है गुरबाणी वाला। इस गुरबाणी के राह से असी चल के असी नशिया विशिया वकारा तो बुराइया तो बच सकते हैं, क्योंकि बंदे के मन ने लगना ही लगना एक पासे। जे चंगे पासे नहीं लगेगा तो गलत पासे लग जाएगा, जे चंगी संगत नहीं करेगा एक ना एक दिन बुरी संगत का बुरी सोसाइटी का असर ये ते होना ही होना। तो जे असी चंगी संगत करांगे, गुरमुखां दी संगत करांगे, उन्हां दी संगत करांगे जिन्हां दे संदड़िया दुरमत वंजे मित्र असाजड़े से ही। कहते सच्चे मित्र तो उ ने जिन्हों की संगत की खोटी मत अंदरों खत्म हो जाए। सो छेवें पातशाह महाराज के कोल रह के भाई मुगलू सेवा करता है। तो सात संगत जी तुहानू पता है सारियां नू छेवें पातशाह ने जिंदगी दे विच चार जंग लड़े। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी जिंदगी दे विच चार जंगा कीतियां। वो जंगा भी इदा जंगा वागू नहीं सन भी किसी से चढ़ाई करके नहीं सी गए, जेडे चढ़ के आते उन्होंने महाराज जंग करते अपनी रखिया वास्ते। महाराज के जंग दे विच जदों भाई मुगलू जी बहुत फटड़ हो गए, इदा हो गया भी हुण जिंद नहीं बचनी, पर छेवें पातशाह ने कृपा की मलम पट्टी दवाई बूटी कराई। मैदाने जंग दे विच जदों महाराज ने भाई मुगलू का सिर अपने गोडिया ते अपनी पच्चां ते रखिया, ते भाई मुगलू धन भाग समझदा है, ते महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहिंदे हन भाई मुगलू डोलना नहीं, ठीक होएगा तू वड्डी उम्र भोगेगा। पर भाई मुगलू कहते सच्चे पातशाह जे अज मौत आ जाए इहो जिहा मौका खबर है जिंदगी च दुबारा आउणे कि नहीं आउणा। अज तुहाडी गोद तुहाडे चरणां विच तुहाडे दर्शन करदे आ, जे अज मौत आ जाए मेरा जीवन जिंदगी इह सफली हो जाए। महाराज महाराज छेवें पातशाह कहते ने नहीं मुगलू अजे होर सेवा लैनी है तेरे तो, अजे नहीं तेनू मरन देना, अजे होर सेवा गुरु घर की लिखी है तेरे लेखा के विच, वड्डी उम्र लाएगा। भाई मुगलू जी कहते पहली गल तो सच्चे पातशाह ये है बेनती भी अज ही मौत आवे तो चंगा है, क्योंकि आ जिहड़ा माहौल बने हुण तुहाडी गोदी दे विच तुहाडी हाजरी दे विच जंग करदे आ,
जंग दे विच मैदानी जंग दे विच सूर किसन मुख रण ते गर्भ है और जंग दे विच मैदानी जंग दे विच फटड़ हो के एदा मौत होवे ते ए मौत सारिया मौतों तो वधी है। मौत कई किस्म की मौत मनी है विद्वाना ने, कई तरह की मौत है, पर सब तो बेहतर मौत जिहड़ी ग्रंथ करता विद्वाना ने मनी है, अच्छी मौत मनी है, वो मैदानी जंग दा पिड़। सच्चे पातशाह अज जिहड़ा समा बने कृपा करो अपने सदै वास्ते चरणा नाल जोड़ लो। अज की मौत वधिया, महाराज कहिंदे ने नहीं भुगलो, अज नहीं तैनु मरन देना, अजे नहीं मरन देना, अजे होर सेवा लैनी है। फिर भाई मुगलू ने प्रार्थना की, बेनती की, भाई मुगलू ने असी बेनती कर देने भाई संगत जी थोड़ा पिछे पिछे नू बोलो, इधर होर संगत अंदर बैठ सके, भैणा नू भी बेनती है, वीरां नू भी बेनती है, थोड़े थोड़े पिछली सैड कंध वल नू थोड़े थोड़े होर बोलो ताकि वध संगत अंदर समा सके, बैठ सकन सारे। तो जिन्ने क सुनने दे चाहवान होंदे ने भी आपां वेखणा है सुनना है सारा प्रोग्राम, सो अंदर उन्हां नू थां मिल सके, कृपा करके थोड़े थोड़े नाल नाल हो जाओ। भाई मुगलू जी कहिंदे ने सच्चे पातशाह जे मैनू अज नहीं मरन देना, जे अज मैनू बचाउणा है फिर ऐसी कृपा करो जदों भी किते मेरी मौत आवे, जदों भी मैं मरां सच्चे पातशाह उस वक्त तुसी मेरे कोल चाहीदे हो, इदां दी माहौल होवे जे मेरे ते खुश हो, इदां दा ही वातावरण माहौल बन जावे जिवें हुण मैं तुहाडे चरणां विच आ, तुहाडी गोद विच मेरा सिर रखिआ, ते जद भी मेरी मौत आवे तुसी आवो, मेरे नाल वचन करो, मैनूं वचन दिओ, वायदा करो मेरे नाल, जदों मैं मरांगा तुसी आओगे, वायदा करो। गुरु तेग वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी छेवें पातशाह कहिंदे ने भाई मुगलू वायदा रहा तेरे नाल, किसी भी रूप दे विच होइए, किसी भी जामे दे विच होइए, जद तेरा अंत दा समा आएगा ना तां फिर असी जरूर आवांगे, वायदा रहा तेरे नाल। चलो जी इदा वायदा कीता भाई मुगलू जी। फिर जदों घरे कम कार हुंदा, बच्चियां दे नाल खेती पत्ती दा कम कराउंदे, जदों वेल हुंदी फिर छेवें पातशाह महाराज दे चरणां विच चले जांदे, करदिआं 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 ते ओह टाइम भी अपने अखी वेख लिया जदों छेवें पातशाह पंज भौतक शरीर छड गए ते गुरु हर राय साहिब नूं गुरियाई दे गए। भाई मुगलू अपना समा याद करता है भी मैं जाना सी पर महाराज मैथों भी पहला। फिर साध संगत की एड्डी लंबी उम्र भाई मुगलू की होई ते सतवें पातशाह भी शरीर छड गए, वो अठवें नूं गुरियाई दे गए। भाई मुगलू इन्ने ही गुरु घर दे नाल जुड़े रहे, शरीर बुढ़ा हो गया, हुण तोरा फेरा नहीं हुंदा, अपने गंढुआ ही पिंड रह के बाणी पढ़ते ने, अपने घर रह के नाम जपते ने, सिमरन करते ने, महाराज की याद में जुड़े रहते ने। जेड़े सिख गुरु के नाल प्रेम करते ने उन्होंने अंदर एक गुरु की याद वस जाती है, गुरु का प्रेम वस जाता है, वो जो मर्जी काम धंधे करते हो पर उन्हों की सुरत उथी जुड़ी रही है, हर वक्त हर समय आठ पहर चौसठ घड़ी तो निरखतर है जियो, नीचे लोन क्यों करो सब घट देखो पियो। कहते अखा बंद करके नीचे लोन करके क्यों बैठा, जिधर भी वेखदा मैं सारिया दे विच वाहिगुरु नूं वेखदा, अपने मालक नूं वेखदा भी इहदे विच भी मेरा परमात्मा वसदा है, इहदे विच भी मेरा वाहिगुरु वसदा है, इहनां दे विच भी मेरा मालक वसदा है, ओह इक तों अनेका रंगां दा होया होया है, आपे हर इक रंग है, आपे बहुरंगी
नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो सुन सखी पी मैं जियो वसै जी मैं बसै के पियो ऐदा भाई मुगलू जी हर समय वाहिगुरु की याद विच रहिंदे ने शरीर बुढ़ा हो गया हुण इदां लगन लग गया भी हुण शरीर बुढ़ा हो गया तिन्ने अवस्था ने शरीर दियां बाल जवानियां बिरध फुन तीन अवस्था जान तिन्ने अवस्था ने बचपने तो बाद जवानी ते जवानी तो बाद बुढ़ापा ते बुढ़ापे तो बाद फिर मौत है कईयां नूं इक्को ही जिंदगी देखनी पैंदी है बचपना कईयां नूं जवानी भी कई देख जांदे ने ते कई दो जिंदगियां दो अवस्था देख जाते ने बचपना भी देखिया जवानी भी देखी ते बुढ़ापे तो पहला तुर जाते ने जिवें सरदार सुरजन सिंह जी तुर गए बुढ़ापा नहीं वेखिया बुढ़ापे तो पहले ही तीन अवस्था शरीर दियां मनिया ने बचपने तो बाद उम्मीद होंदी है जवानी आएगी जवानी तो बाद आस होंदी है बुढ़े होवांगे बुढ़ापा वेखांगे बुढ़ापे तो अगे फिर मौत है जनी मौत तो हर हालत दे विच है बचपने विच भी आ सकती है जवानी विच भी आ सकती है ते बुढ़ापे तो बाद ता पक्की फसल हो जाती है जिवें किसान पक्की फसल नूं खेत च छड्डदा नहीं हुंदा कटदा ही कटदा है हरी नहीं रहे नंडरी पक्की वजन हार लै लै दात पहुंचिया लावै कर तैयार जा होआ हुक्म किसान दा ता लुण मिणिया खेतार जदों फसल पक जाती है ते फिर जिमीदार दात्रियां लै लै के कणक दे आले दुआले हो जाते ने मिण लैंदे ने वी आ इक फांड तू लै के जा इक फांड इन्ना ये फुल लै के जाएगा लुण मिणिया खेतार खेत नूं मिण के आडा फिर ओह फांडा हुण तक पैन फांडा करदी है पहला आपां पढ़दे सी बजुर्ग अपने कहिंदे ऐ मिणती कर लैंदे सी वी इन्ना भाई तू लै जा इन्ने फुल तू लै जा जा हुक्म होआ किसान दा तां लुण मिणिया खेतार इसे तरी जदों फसल पक जाती है जदों बुढ़ापा आ जाता है शरीर रूपी फसल पक जाती है फिर तो कटनी है कटनी है पर कई बारी किसान नूं जगह की लोड़ पै जाती है घर पाउणा होवे कोई बख्शन करना होवे बच्चियां दा ते ओह डडरी अध पक्की भी कटनी पै जाती है जनी मौत तो कोई बच नहीं सकता भज नहीं सकता मौत हर हालत दे विच ता बाणी कहती है भी मरन तो घबराओ ना मरन तो डरो ना जिदा सरदार सुरजन सिंह जी बिल्कुल नहीं सी घबराए बिल्कुल नहीं सी डर गए सरपंच साहब दस रहे सन कहते क्योंकि वह कैंसर की प्रॉब्लम सी नाले कीमो लवा के आनी ते नाल नाल ड्यूटी ते हाजिर होना ये नहीं भी छुट्टी लै लईए हुण नाले कीमो लवा के आनियाँ कितना कमजोर आ शरीर नूं कर दिंदियां ने कीमोआं की हाल शरीर का कर दिंदियां ने पर फिर भी अपनी ड्यूटी अपना काम जिहड़े इदां दे बंदे हुंदे ने ना चा नाल अपनी मेहनत करन वाले काम ही उहनां दी पूजा बन जांदा कम ही पूजा हो गया भाई मुगलू जी हर वक्त जुड़े रहिंदे ने करता पुरख दे नाल अठवें पातशाह भी शरीर छड गए दिल्ली दे विच ते वारी आ जाती है नौवें दी गुरु तेग बहादुर जिया दी ते साध संगत जी भाई मुगलू जी बिरध हो गए बुढ़ा होआ शेख फरीद कप्पण लगी दे जे सौ वरिया जीवना भी तन हो सीखे भावें सौ बरा जी लवे कोई 200 बरा जी लवे अखीर इस हड्डा दे पिंजर ने कहिंदे राख की ढेरी होना ही होना है इस हड्डा दे पिंजर ने राख की ढेरी एक ना एक दिन हो ही जाना है भावें कोई 100 साल ज्यों लवे लम्मी उम्र लै लवे ते चाहे घट उम्र होवे जनी मरना सर पर है राणा राव ना कोर है
रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदा तीर। मौत तो कहते कोई बच नहीं सकता, जल कहा थल कहा, गौन के गगन कहा, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। ऐसोए संसार पेखना रहन ना को पई है रे, विश्वास है, यकीन है कि मेरे नाल वचन कीता होया है महाराज का, वचन कीता है मैनू आउणगे। मेरी मौत दे समय मेरे मरण तो पहला पहला मैनू दर्शन दे के जाणगे गुरु हरगोबिंद साहिब।
प्रतीत है, विश्वास है जिसके मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रभ चीत। भाई मुगलू कहना सी भी मरण तो नहीं मैं डरता, पर मैं मौत को कहना भी जिन्ना चिर छेवें पातशाह महाराज मैं दर्शन नहीं दे देंगे उन्ना चिर मौते तू आई ना, जिन्ना चिर मैं जागी वाली अखीर वाली महाराज के दर्शन नहीं कर लेता दीदार नहीं कर लेता मेरा जीवन सफल तदे होने जब जागी वाली महाराज के दीदार दर्शन करांगा। वचन महाराज ने किया होया इंतजार दे विच है भाई मुगलू, महाराज का तो इंतजार करता ही है ते मौत का भी इंतजार है। रब दे प्यारे कदे भी मौत को भुलाउंदे नहीं कदे भुलदे नहीं, क्योंकि मौत याद रहनी परमेश्वर याद रहना है। जदों मौत भुल जाती है मरना भुल जाता है तो रब भी भुल जाता है। जदों मरना चेते है मरना याद है, मरना याद है जिन्हां दे साईं लोकां लाहा इस जहान तो खट जाते, जिन्हें भी महान व्यक्ति संसार विच होए ने उन्हां वो सफलता तक पहुँचण का राह इक उन्हां दी जिंदगी दे विच इह वी है कि वो सारे मौत नूं याद रखदे ने, क्योंकि मौत ने एक ना एक दिन वापरना है, एक ना एक दिन आना है, फिर उन्हें भुलण का की फायदा। भुलावे बकारा के बुराइया गलतान होवे याद रखा बाबा जी डाड़ा साहब वाले पढ़िया करते बच्चियां नूं कहिंदे गूहा ना भेड़ियो सौण लग्गिया, महाराज आउणगे ते दर्शन देणगे ते सतसंग जी भाई मुगलू जी ना हुण बीमार हो गए, क्योंकि जदों मौत कोई ना कोई कारण बन जांदा है, शरीर बुढ़ा सी ते बुढ़ापे दे विच आ के इनफेक्शन भी शरीर दे विच छेती हुंदी है। उम्र के हिसाब न भाई मुगलू जी हुण ढिले होए, याद लगे कर गुरु नूं महाराज नूं लगे याद कर पातशाह, हुण तां जिंदगी दीआं लास्ट घड़ियां लगदियां ने, पातशाह आओ दर्शन दिओ। ते उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी अपने नेड़े भीखी शहर दे विच आए होए सन, कृष्ण चौधरी दे कोल मारवे दे विच विचर रहे सन। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ,
जो भाई मुगलू याद कर रहा सी ते भाई मुगलू ने प्रेम की तार खड़की गुरु तेग बहादुर साहब जी दिता महाराज कहते ने याद कर रहे कोई चेते कर रहे हैं चेते कर रहे हैं कौन कर रहे हैं अंतर ध्यान कौन चेते करता है भाई छेवे पातशाह ने वहिदा किया बचत किया सिख दे भाई मुगलू चेते करता है रात का समा शाम हो चुकी सी जदों भिखी तो घोड़े पर सवार होके गुरु तेग बहादुर जी भाई मुगलू के पिंड गंढुआ वाल रवाना हो गए इतने तक आने गंढुआ तक आने तक ही रात हो चुकी सी सीधे भाई मुगलू के घर बुआ खुल रही थी ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह भाई मुगलू जी के घर आ जाते भाई मुगलू असी आ गए तेरे नाल वादा किया छेवें जामे पैदा किया तेरे नाल आ गए मुगलू बस ओदा तन मन हरा हो गया इहदा सच्चे पातशाह बहुत कृपा की मेहर की रहमत की सच्चे पातशाह सदके जावा उन्हां राहां तो जिन्हां राहां दी राही पहुंचे हो अपने सेवक तक अपने सिख तक कुर्बान जावा उन्हां राहां तो सदके जावा बड़ी कृपा की महाराज सच्चे पातशाह प्रेम दियां कहानियां प्रेम दियां गल्लां सच्चे पातशाह आ गया मेरा समा खीर आ गया तुसी ने छेवें जामे विच वादा कीता सी बचन कीता सी सूरवीर बचन के बली कौला पपरी संति छली तुसी ने बचन कीता सी आ गए हो महाराज कहिंदे ने गुरु तेग बहादुर भाई मुगलू तेरी सेवा परवान होई तेरी घाली होई घालना थाए पै गई है गुरु नानक दे दर ते तू सारी जिंदगी गुरु नूं याद रखिया तू बड़ी अणथक सेवा कीती महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे गुरु तू अपना जीवन सफल कर दिंदे विच दुनिया सेवा कमाई है तां लाइ है वैष्णव पाई है कहो नानक जदों चंगे काम किए होंगे ना हिज कद के लखा बंदियां नूं पता बाहर कढ़ी करके कह दिंदा कि मैं कदे रिश्वत नहीं लई कदे आ गलत कम नहीं कीता लखा बंदियां नूं बाहर कढ़ के कह सकदा है गुरु नानक जी ए पंक्तियां च कहिंदे ने कि जिन्ना चिर तुसीं संसार दे विच रहिंदे हो ना विच दुनिया सेव कमाई है दुनिया से बकमाइए तांदार के दुनिया देव कमाई है
संगत विच वर्तन दी आग्या उस पातशाह जी पहुंचियां संतां दी हाजरी प्रवान करना चलिया कदम कदम लिखे विच रवाना पातशाह दीआं संतां नूं मुख वार पुछ के नदरो नदर निहाल करना अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने से प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितिया है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमखा निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे जिहबा एक कवन गुन कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिया जिहबा एक कवन गुन कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखाव हो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मरण खाए मंडल में आए जेहा जे देखा तेहा हुक्म कमाए कल्ले आए नानका सत्य उठ जाए ते महावाक्यां अनुसार अज साडे विच ओ शख्सियत कृपा करके माता जी सारे जाने आप पांच मिनट की अलग चार बुलारे बुलाने हैं क्योंकि बोलना भी इस शख्सियत बारे जरूरी है क्योंकि जिसने बड़ी छोटी उम्र दे विच बड़े वड्डे नाम खट्टे ने जे मैं गल कर रहा हाँ सरदार सुरजीत सिंह होरां दे जन्म दी ठार दे विच माता करतार कौर दे कुखों और साडे बहुत ही सत्कारयोग साली कांग्रेसी सरदार कपूर सिंह जी दे घर लेर जलां विखे जन्म होया। उस तो बाद मुढ़ली पढ़ाई लेर जलां स्कूल दे विच कीती दसवीं तक फिर कबड्डी दे वधिया स्कूल लेवल ते और नैशनल लेवल ते खिडारी बने। उस तो बाद 84 दे विच साडे बहुत सत्कार जो साडे माता जी सुखपाल कौर जी पिंड भाठवां दे विखे उहनां दी मैरिज होई। उस तो बाद 11 दे विच भर्ती हुए सिपाही के तौर पर लुधियाना विखे। उस तो बाद फिर 18 दे विच उन्हां दीआं सेवावां नूं देखते हुए सहायक उन्हां नूं लाया ASI लाया गया ते हुण कुछ दिन ही होए सीगे जिहड़े इंस्पैक्टर दे तौर ते उन्हां नूं तरक्की मिली। बहुत वड्डी किताब है सरदार सुरजन सिंह होरां दी अज्ज वड्डा अगर
ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾਰੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, ਬੋਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿੰਪੀ ਹੋਣਾ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਸ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਈ ਪਰ ਖੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਅ ਡੀਪੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਾਂ ਰਿੰਪੀ ਹੋਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
चुरंजा पचवंजा साल की उम्र के साढ़े तो विछड़ गए हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा समा भी नहीं लूँगा क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा हॉल के अंदर बैठी है। मैं भी महसूस कर रहा, मैं बेनती की सी कि बीबी रजिंद्र कौर पठल जी उन्होंने परिवार वालों धन्यवाद जमाता जाए। सो जिथे मैं परिवार के नाल मेरा परिवारक रिश्ता है, मैं तीन चार घंटे हो गए आए हूँ भोगते, मैं देख रहा सी कि जिनी संगत बैठी है इन्नी संगत मत्था टेक के मुड़ चुकी है। इस परिवार का प्यार, इस परिवार का सत्कार सरदार कपूर सिंह जी उन्होंने तो लैके संबंध कांग्रेस पार्टी ना रहा। सरदार कपूर सिंह जी उस तो बाद सरदार सुरजन सिंह होना और उस तो बाद मेरा भतीज रिम्पी ते डिम्पी जिस तरह की इस इलाके सेवा की वो अज इस संगत तो मोह बोल की तस्वीर है। अज पता लगता है कि परिवार ने प्यार खटिया, इलाके की सेवा खटी है। अज कोई मौजूद यह शख्सियत नहीं संगरूर मानसा बरनला जिले की जी इतने ना पहुंची हो। सो दुख बहुत है, ज़्यादा समा नहीं लगा, बस इसे मैं बेनती गुरु महाराज के चरणों के करना कि वाहगुरु सच्चे पातशाह साडे वड्डे भरा अपने चरणों के निवास बख्शो, पिछे सानू सारयां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शो। इन्हां शब्दों के नाल वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी का फतेह। किस तरह साड़ी पंजाब की जवानी है जी नशा के गुतान हो रही है, कि किस तरह जो नौजवान ने ओवरडोज कर करके मर रहे हैं, किस तरह साढ़े नौजवान ने जोड़े चोरिया के रास्ते पै गए हैं। मैं बेनती करूँगा बहुत जी शुरू तक हम तक लड़ाई कर रहे हैं परमिंदर सिंह जी जो झोटा के नाम ना जाने जाते हैं, वह भी दो मिनट लिए अपनी हाजिरी लगाएंगे। परमिंदर जी वाहगुरु जी का खालसा। जो आया सोचा लसी ने महाभाग अनुसार अज स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह अपनी संसार की यात्रा पूरी करके अज उन्होंने अंतम अरदास हुई है। उन्होंने बड़े बेटे जसविंदर सिंह रिम्पी जो कि इस पिंड के सरपंच भी ने, सबका मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी ने, छोटे बेटे उनका एक सेंटर है। उन्होंने साढ़े पिछले जो धरने चले नशे खिलाफ, उन्होंने फादर साहब खुद पंजाब पुलिस से, पंजाब पुलिस च होने के बावजूद अपनी जंगी सरकार के पुलिस के खिलाफ है सिद्ध प्रसिद्धी। और डोले नहीं वो हर इकट्ठ में वध तो वध भी गड्डिया जां पांच पांच छे छे ट्रक ट्रालियां भर के लिया रहे बीबिया की बंदा की। सो आप तह दिलों धन्यवाद करते हैं जो लोग लहर की आवाज़ में बुलंद करने उन्होंने बिना किसी डर भाव या सरकार के किसी भी जुर्म के विरुद्ध आवाज़ चुकी। सो हूँ दो गल् ने जो मैं सुनने करना चाहना, जो नेक रूह होंगी है वह चाहे किसी भी फील्ड च होगी होंगी है, उसके पिछे आए हुए लोगों का इकट्ठ जा उसके इलाके उसके इलाके के लोग दस देते हैं कि नेक रूह से पता लग जाता उसकी संतान का कि जिसकी संतान नेक है कि उसके घर माड़ा पैसा नहीं आया तो वो भी संतान नेक है, नहीं तो सूँ पती है ज़्यादातर संताना का हाल हो रही है अचक। सो मैं इतने हाजिर समूह क्योंकि ज़्यादातर मुलाजम ने मेरे भीर मेरे भाई ने मैं इतों बड़े ने खुद पुराने टाइम उन्होंने नौकरियां लिया अपनी मेहनत सिर पर, मैं उन्होंने बेनती करना हथ मन के कि देखो जी पंजाब नशा बहुत आ सूँ पता तू सब तो सियाने। सरदार श्री सुरेंद्र सिंह जी लांबा एस एस पी साहब ने स्पैशल तौर पर डी एस पी साहब गोरसी जी और उन्होंने रीडर स्पैशल तौर पर इस शोक संदेश भेजे और उन्होंने विश्वास पाया कि इस परिवार के न जो भी पुलिस ने जो कोई कार्रवाई हो रही चाहते हैं वो इस मोढ़े न मोढ़ा ला के खड़े ने गए। और मैं बेनती करूँगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिले के प्रधान नौजवान प्रधान हमेशा तौर पर पार्टी को अगे लिया वाले गल् कर रहे उन्होंने धर्मपत्नी सिमरत कंगूड़ा जी को कि वो भी उन्होंने आना सीगा उन्होंने तबीयत खराब करके वो नहीं आ सके। उन्होंने धर्मपत्नी सिमरत कंगूड़ा जी आए मैं दो मिनट लिए प्लीज वो भी आके शर्तों के बुपर अच्छ संगत रूप के एडा वड्डा इकट्ठ अंकल जी को अलविदा कह आया है। ये परिवार का विचरना
ते अंकल आंटी जी दे संस्कार दिते हुए टिंपी वीर जी नूं रिंपी वीर जी नूं अज दर्शाउंदे ने कि किड्डा वड्डा इकट्ठ उन्हां नूं अंतम श्रद्धांजलि देण आया। गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरु ने अपना दर्जा माँ के प्यो दे विच दित्ता है। जे आपां गुरु साहब की पंगतियां च जाइए माता मत पिता संतोख, एक बच्चा माता तो मत लैंदा है ते पिता तो संतोख लैंदा है। संसार विच किवें विचरना है यह माँ प्यो दसाउंदे ने माँ प्यो दसदे ने। अंकल जी बारे कुछ भी कहना बहुत छोटा होगा क्योंकि उन्हां बारे जिड्डी वड्डी गल कह लो वह छोटी है। एक छोटा जिहा अनुभव जो मेरे नाल बीतिया अंकल का, जिस दिन सरदार दलवीर सिंह गोल्डी जी को ऑफिशियली अनाउंस करन आए राजा बड़िंग जी ते बाजवा जी, उस दिन अंकल जी की कीमोथैरेपी चल रही सी ते अंकल ने रिंपी वीरे नूं कहा कि तू हाजरी ला के आनी है, देखो किड्डा वड्डा जिगर है, नहीं कीमो चल रही होवे ये असहा दुख हुंदा है। फिर भी उन्होंने ड्यूटी लाई क्योंकि उन्होंने प्यार कांग्रेस पार्टी प्रति, उन्होंने हमेशा ईमानदारी कांग्रेस पार्टी प्रति रही ते समाज विच हमेशा उन्होंने निरपक्ष होके विचरे ने, हमेशा सच का साथ दिता है ते दोनों पुत्रां नूं भी हमेशा सच का साथ देने लिए प्रेरिया, ता ही वो एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते रह के समाज विच सही तरह विचर सके। मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हुई अपने वालों अपने परिवार वालों सरदार दलवीर सिंह गोल्डी जी वालों समुची कांग्रेस वालों उन्होंने श्रद्धा ते आस्था के फुल भेट करती हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी। ब्लॉक समिति के सारे जिला परिषद के चेयरमैन सॉरी जो मैंबर ने ब्लॉक समिति के मैंबर ने गए मार्केट कमेटी रिपीट चेयरमैन रहे हैं उन्होंने समुचा स्टाफ आया है सारे का। हुण मैं बेनती करूँगा वो इंसान को क्योंकि रिपी जी का इन्हों वे भावों का प्यार है, जो एम पी की इलैक्शन लड़ी उस वक्त भी दिन रात एक करके मेहनत की और जो भी इन्हों पी उन्होंने बढ़ चढ़ के रिंपी की हर समय मदद की। अज भी भवान मीटिंग सी फिर भी रिजेवें तो समा कड़ के श्री विजेंद्र जी सिंगला सबका मंत्री पंजाब वो पहुंचे ने गए, मैं उन्होंने कहा कि वो भी अपने आशीर्वाद दे और संगत में गलबात कर। श्री विजेंद्र सिंगला जी इस पवित्र स्थान पर एकत्र हुए गुरु रूपी साहब सिंह जी पते की सांझ करना, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। अज आप सारे बड़े भरे मन के नाल अपने सब के सत्कारयोग सरदार सुरजन सिंह जी की अंतिम अरदास एकत्र हुए। मौत की कठिन सच है, जो इंसान इस धरती से आया उन्हें चले जा, मिट्टी की भी मौत होनी है, जिंदगी वो जियो जिन्हों मौत भी ना मार सके। सरदार सुरजन सिंह जी बारे इस मंच तो वक् वक् बुलारियां ने हेनरी जी ने बहुत सारे ने बहुत सारे गल्लां की। पंजाब सरकार दे विच सब तो अहम महकमे दे विच लंबा समा सेवा की थी, बतौर इंस्पैक्टर तक अपने आप को पहुँचाया और सारे इलाके दे विच उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करने की सोच रखी। परिवारिक जिम्मेवारी भी चंगे तरीके नाल समझिया, अपने बच्चों को भी चंगी परवरिश देने की गल की। कांग्रेस पार्टी के नाल संबंध से उस गल वास्ते भी जोरदार तरीके नाल सहयोग किया। यही कारण है कि इस परिवार का इस इलाके दे विच वड्डे पद्धर का आधार है और छोटा भरा रिंपी जिन्हों अज इस पिंड की बतौर सरपंच बन के सेवा करने का मौका मिल रहा है। पिछले लंबे समय तो तकरीबन 15 वर्षों तो मेरे नाल भी बहुत नेड़ला संबंध है और चाहे सरपंच होवे चाहे बीबी जी के आशीर्वाद के नाल इत्थे मार्केट कमेटी का चेयरमैन बन के सेवा करने की गल होवे या पार्टी की या नौजवानी दे विच यूथ की कदे गल आई उत्थे हमेशा इस परिवार ने और खास तौर पर रिंपी ने अपनी जिम्मेवारी को चंगे तरीके समझे। और अज मैं गल जरूर समझता कि अज का यह विशाल इकट्ठ जो अज अंकल श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते एकत्र होया है इस गल की भी प्रतीक है कि भावें अज अंकल साढ़े में शरीरिक रूप में हाजिर नहीं पर पूरे इलाके में अज भी उन्हां दी खुशबू कायम है। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हो ना समा ज़्यादा लेंदा हो
अपने वालों अपने परिवार वालों अपनी पार्टी वालों उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करदा और थोड़े सारे के नाल मिल के गुरु महाराज के चरणों से ही अरदास करदा कि सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शना। सानू सारे दोस्त मित्र सके संबंधी जो सारे उन्हें आप अज हाजिर इन्होंने ये भाणा मनन का बल बख्शना। इन बेनतियां करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। साडे बहुत ही सत्कार जो मैं सरदार सुरजन सिंह जी होरां जिथे रहे वो प्यार पाया पवा लहरे दे विच रहे साडे सबका डीएसपी साहब सरदार अजयपाल सिंह जी डॉक्टर साहब इंस्पैक्टर साहब बैठे ने गे दीपिंदर सिंह जी आके गए ने गे होर सारे जिन्हें भी पंजाब पुलिस तो आए ने गे जिहड़े सारे उन्हां नाल प्यार सी सुरजन सिंह होरां दा उन्हां दा भी इत्थे पहुंच ते बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा जिस दी निघी छां थले इस परिवार ने बड़े वड्डे होए ने गे जिसकी निघी छां थले जिन्होंने अहुदियां दे मान मान बख्शे ने गे सरदार जी नरेंद्र कौर जी भट्टल साबका मुख्यमंत्री पंजाब ये अपना इस परिवार से जिस तरह पहला आशीर्वाद रखा है हुण भी अपना आशीर्वाद मैं बने सी भावें कुदरत का दस्तूर है सारे जानते हैं कि एक दिन हर एक ने जाना है कदों कित्थे किवें ये नहीं पता लेकिन जो जमे उन्हें जाना है। माँ ते बाप इन्हां दा इंसानी रिश्ते दे विच एडी गूढ़ी ते महत्वपूर्ण जगह है थां है कल्ली समाजिक विच नहीं साडे गुरबाणी दे विच भी जिस तरह के पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत ये माँ ते बाप का नाम गुरबाणी विच भी क्योंकि एदू सच्चा सुच्चा ते उच्चा रिश्ता हुण कोई हो नहीं सकता। इसलिए अज साडे बच्चे रिंपी जी इन्हां दे परिवार सारा उन्हां विचों इन्हां दे पिता सुरजन सिंह जी का चले जाना ये काफ़ी जिन्हों आप कहने बर्दाश्त बहुत हौसले नाल करने वाली गल है जिहड़ी कि अज वापरी है सारे नाल। मैनू कुछ दिन पहला मैं मिल के गई हाँ सारे साडे नाल उतों दी संगत नाल सीगी बड़िया ही अच्छिया गल्लां कीतियां और बड़े तरीके नाल मैनू लगता नहीं सी मैं कहा कि अजे आपां बहुत समां देखना है बड़िया खुल के गल्लां कीतियां उन्हां दी परिवारक जिंदगी उन्हां दा पालन पोषण उन्हां दी सरकारी जिम्मेवारी उन्हां दी समाजिक जिम्मेवारी सारियां विच परपक कोई कोई हुंदा है। मैं इस परिवार का नाम इस दी कि सिर्फ एक कांगड़ सी ने सिर्फ इस करके नहीं बहुत सारे साडे भरा आपो अपनी पार्टियां नाल कांग्रेस नाल भी जुड़े हुए हैं भैन भरा सारे लेकिन कुछ परिवार यहोजे होंगे है जेडे किते ना किते किसी जे पार्टी च पार्टियां का इतिहास सजदे। मैं याद है कि मैं जो 1985 च पहली बार इतने इलेक्शन लड़न आई हाँ तो साडे प्रबंधक लोग कहते सी कि सारे पिंडां च असीं जाने हाँ सिर्फ लेल मंदरां च साडा कोई नहीं हैगा कांग्रेस का इत्थे असीं कदे गए नहीं राजसी फंक्शन नहीं किया जलसा नहीं किया मीटिंग नहीं की। मैं क्या भी मैनू नहीं पता तुसी गए कि ना मैं तो ये पिंड आपका साडा अपना हैगा मैं तो जरूर जाऊंगी उदों उस वक्त इस तरह के नाल चैलेंज दे विच आउणा पंज जिवें आपां कहिंदे पंज गुरसिख पंज साडे पार्टी के पक्के वर्कर जिहड़े इत्थे बैठे है हुण भी भगत सिंह जी बलदेव सिंह होणी होर सारिआं दे मैं जिहदे जिहदे नाम लवां ते सरदार कपूर सिंह जी सीधे साधे इंसान गोंडा हाथ में धड़क हो के बोलना उन्होंने ये सारे अपने साथियों के नाल इस पिंड में तली ते तरके जान जिहड़ी गल अणहोणी हुई भी सी कि कदे कोई आया नहीं वो इतिहास में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में उपर में अखरां में ना लिखता कि इत्थे कांग्रेस असी लेके आए हाँ। सो इस पिंड कांग्रेस का लियाना जिता बना
ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘਾਰ ਸੁੱਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਕੱਢ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਕਈ ਸਰਪਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਪਗਾ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਪਾਲ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਭੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਲੋਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਮਨ ਸੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਨਾਥਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਪੁੱਟੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
जगदेव गागा जी जो एनसीसी तो भी विशेष तौर पर पहुंचे ने काका तूर जी सतनाम सत्ता जी सबका चेयरमैन मार्केट कमेटी वो भी पहुंचे ने और साढ़े रिश्तेदार जो भंडार तो ने चरण सिंह जी नंबरदार जी उन्होंने भी बहुत परिवार से सहयोग रहा है और बहुत संगत का सारिया का मलरिया तो सारिया का जो सा रामगढ़ संधुआ तो सारे सिखापुर का बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरू जी का खालसा Thank you.